जलंधर के पास एक गांव है, वहां से दिसंबर में एक पेशेंट का बेटा आया मेरे पास 11 दिसंबर को अपनी माताजी की रिपोर्ट लेके। उनको 10 दिसंबर को उनको माताजी को ओसवाल कैंसर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, ये कह के कि घर ले जाओ सेवा करो, कुछ दिनों के मेहमान हैं। क्या स्थिति उनकी? उनको ओवरी का कैंसर था, अंडकोश, 1990 में हुआ था, ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी, बिजली लग गई, ठीक हो गए, 12-12.5 साल बिल्कुल ठीक गुजर गए, नो प्रॉब्लम्स। पर 2003 में उस कैंसर की जड़ें फिर बढ़ने लगी, मेटास्टेसिस, 12 साल के बाद जड़ें बढ़ने लगी, अंतरी में आ गया, लिवर में आ गया, खाने की नली में आ गया, और उनके खाने की नली कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गई। उस साल अस्पताल में 2 महीने दाखिल रहे, कीमोथेरेपी हो गई, बिजलियाँ लग गई, वो जो ट्यूब होती है रबड़ की खाना देने के लिए, सिरिंज से जो दूध दूध पिलाते हैं वो ट्यूब लगा दी गई, और 10 दिसंबर को डिस्चार्ज किया गया, घर ले जाओ सेवा करो। वो पूछता है जी आपकी गैनोडोमा कुछ करेगी? मैंने कहा जी इनका तो बहुत बड़ा हुआ है, आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है, पर आप फिर भी उनको दो कि एक टॉनिक है, उनके पास जितने दिन बचे हैं वो ठीक ठाक गुजर जाए, दर्द थोड़ी कम हो जाए। कैंसर के पेशेंट का जो अंत होता है बहुत दर्दनाक होता है, कि रोज के 3-3, 4-4 टीके लगाने पड़ते हैं, शायद वो कम हो जाए। शुरू किया उन्होंने, लगभग 1.25 महीने के बाद, उससे पहले एक बार जलंधर में गया था, वो औरत दिखाने भी आई थी, मिली थी मेरे को, बिल्कुल स्केलेटन थी, ढांचा हड्डियों का, ट्यूब लगी उसके थ्रू सिरिंज के रास्ते दूध वूध पीती थी, अगर पानी का एक आधा चम्मच भी लेने की कोशिश करती थी मुंह से बाहर आ जाता था। 1-1.5 महीने के बाद वो पटियाले आई औरत एक और कैंसर के पेशेंट को साथ लेके, कि ये आदमी 15 दिन से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कि जहाँ से आपने दवाई ली हमें भी लेके चलो। क्यों? क्योंकि उस औरत ने अब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था, लिक्विड्स, कस्टर्ड, दलिया, ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर दी थी। तो मेरे से पूछने लगी अब ये नाली निकलवा दें? मैंने कहा भी नहीं, जब तक आप कुछ सॉलिड्स नहीं खाने लगते तब तक नहीं। एंड आई एडवाइज देम कि रोटी लेके छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में भिगो के एक एक दो दो चम्मच खाने की कोशिश करो। जनवरी की बात आई, 11 फरवरी को उनके बेटे का फोन आया, सर कल मम्मी ने साग और रोटी खाई। इंसिडेंटली मुझे 13 फरवरी को जलंधर जाना था एक शादी अटेंड करने, आई फेल्ट सो हैप्पी। मैंने उसको कहा अपने गांव का रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे गांव में आना चाहता हूँ, और उनके गांव में गया। उस औरत की एक सिस्टर कनाडा से आई थी लास्ट टाइम उनको मिलने के लिए, उनकी एक ननद न्यूयॉर्क से आई थी उनको लास्ट टाइम मिलने के लिए, और अब वो देख रहे हैं अब तो गुरपाल कौर शहर में घूम रही हैं। उन्होंने उस गुरुद्वारे में एक अखंड पाठ कराया 27 फरवरी को, बुलाया गया मेरे को, और जो रिस्पेक्ट मिली वो पहले 30 साल के मेडिकल करियर में नहीं मिली थी।